अगर आप भी न्यू वीडियो में अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ क्रिएट करके दिखाने वाला हूं कि पेटीएम अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे फुल केवाईसी कैसे किया जाता है, वॉलेट है उसको कैसे एक्टिव किया जाता है, कैसे दूसरे के पास पैसा सेंड कर सकते हैं मोबाइल नंबर से हो या UPI ID से हो या बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, आपको अकाउंट नंबर चाहिए, IFC कोड, और किसी दूसरे के पास आप पैसा को सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीका से मैं आपको फुल जानकारी देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। कुछ आपको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल 0% नॉलेज है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सीख जाइएगा कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे सारा प्रोसेस मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे भी कॉन्टेंट आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। उससे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, उस लिंक से क्लिक करके पेटीएम को जैसे ही डाउनलोड करिएगा तो आपको कैशबैक देखने को मिलेंगे। तो जाके लिंक है नीचे, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करिए और ओपन करिएगा तो इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। पेटीएम को ओपन करिएगा कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉगिन क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, सबसे पहले मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। कोई भी मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। चलिए मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। सिंपली जैसे क्लिक करेगा SMS अलर्ट करने का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पे क्लिक कर देना है। देखते हैं अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पे क्लिक करना है SMS के लिए। तो आपके नंबर पर जाएगा OTP यहाँ पे, तो OTP को वेरीफाई यहाँ पे करना होगा। तो आपको मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए मोबाइल फ़ोन में, जो जिस मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं पेटीएम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। देखते हैं इंटर OTP आ गया है, अपने आप रिडायरेक्ट होके यहाँ पे ले लिया है OTP। OTP को फिल होने के बाद देखते हैं कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करिएगा तो आपको कुछ इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखते हैं यहाँ पर आपको एक्टिव UPI का ऑप्शन देखने को मिल गया है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर रखते हैं, आपको मोबाइल फ़ोन में 2 SIM है तो आपको चूज करना होगा कौन सा मोबाइल नंबर से प्रोसीड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। चूज करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर फिर से जाएगा यहाँ पर SMS एक, तो SMS को देख सकते हैं यहाँ पर बैंकिंग से यहाँ पर एक्टिव होगा। देखते हैं आपको कुछ रुपये चार्ज कटा जाएंगे 1 रुपये, उसके बाद टिक करना, टिक करने के बाद देखते हैं इस तरह आपको इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन आ गया है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं बैंक अकाउंट को ऐड कर लेता हूँ। कौन सा बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं सर्च भी कर सकते हैं। चलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन होना स्टार्ट होगा। होने के बाद यहाँ पर रखते हैं वेरिफिकेशन हो चुका है फाइनली। चलिए यहाँ पर आपको सेट पिन करना है, यानी UPI को पिन सेट करना है, तभी आप पैसा को सेंड कर सकते हैं, किसी के पास सेंड कर सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक करेंगे और कार्ड का जो नंबर होता है 6 डिजिट वो आपको फिल करना है, एक्सपायरी डेट फिल करना है, और यहाँ पर CCV जो नंबर है वो आपको फिल करना है। कार्ड नंबर डालने के बाद रखते हैं प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेगा कुछ सेकंड वेट होगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आपको वेट करना होगा। जैसे ही वेट करेगा यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, तो अपने आप रीडायरेक्ट होकर ले लेगा। जैसे कि देख सकते हैं गुड का ऑप्शन है, गुड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गुड पे क्लिक करेगा फिर से आपको यहाँ पर UPI पिन आपको सेट करना है अपने मन से, जो कि आप जब पैसा सेंड करिएगा तो आपको याद रहना चाहिए, इसी से आपका पैसा सेंड होगा। चलिए मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ अपने अनुसार, आप भी अपने अनुसार जो याद रहेगा वो आपको फिल कर लेना है। 2 बार यहाँ पर आपको डालना है, जैसे कन्फर्म डाल रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आपको प्लीज वेट होगा। प्लीज वेट होने के बाद देखते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, मैं पैसा सेंड कर रहा था इसलिए यहाँ पर मैं चलिए सेंड करके देखता हूँ। और यहाँ पर सेंड करेंगे तो जानवे करते हैं इसका जो सर्वर है काफ़ी स्लो रहता है इंडियन पोस्ट का। चलिए आगे प्रोसेस बताते हैं। होम पेज कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर में देखते हैं वेलकम टू पेटीएम। जैसे ही सेंड करिएगा यहाँ पर 1 रुपया तो आपको 10 रुपया तक कैशबैक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखते हैं सेंड मनी पर क्लिक करके आपको सेंड करना है UPI ID से। तो फर्स्ट बार में करिएगा देखते हैं कितने ऑफर यहाँ पर चल रहे हैं, ऑफर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखते हैं UPI से करिएगा तो आपको 10 रुपये तक कैशबैक देखने को मिलेगा। स्कैन करके शॉपिंग करेगा तो 10 रुपये कैशबैक देखने को मिलेगा। रिचार्ज करिएगा तो 10 रुपये आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। देखते हैं इतना फर्स्ट बार में आपको ऑफर देखने को मिल जाता है। अगर आप किसी के पास आप शॉपिंग करने हैं तो स्कैन करके यहाँ से आप इजी तरीके से इस पर क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। पिन को फिल करिएगा आपका स्कैन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्कैन टू पे यहाँ से भी कर सकते हैं, टू मोबाइल पे किसी के पास पैसा सेंड करना मोबाइल नंबर से, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल करिएगा और फिल कर सेंड कर सकते हैं अब इजी तरीके से। उसके बाद चलिए यहाँ पर बैक करते हैं और टू UPI ID इस पर क्लिक करिएगा तो UPI ID फिल करके कर सकते हैं या मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं।
उसके बाद बैक करते हैं अब टू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद हम बैंक अकाउंट में किसी को पास पैसा सेंड करना, तो क्या करिएगा, देखते हैं इंटर बैंक अकाउंट डिटेल है, इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कौन सा बैंक है किसके पास पैसा सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि देखते हैं पंजाब नेशनल पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट यहाँ पर नेम डालना है, IFSC कोड डालना है का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं बैंक अकाउंट में पैसा किसी दूसरे के पास। तो इस तरीका से यूज कर सकते हैं। नीचे जाकर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, वॉलेट का ऑफर है, नीचे देख सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, बिल पे ये सब कर सकते हैं, पासबुक हिस्ट्री हो गया, इस पर क्लिक करके अपना डिटेल चेक कर सकते हैं, कहाँ मैं पैसा सेंड किया हूँ, कितना किया हूँ, यहाँ पर सारा आपका शो हो जाएगा। जैसे देखते हैं फेल्ड 10 रुपया, क्योंकि इंडियन पोस्ट बहुत स्लो चलता है UPI IDs का। जैसे देखते हैं पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर देखते हैं 0 रुपया मेरा है, इंडियन पोस्ट चेक बैलेंस, इस पर क्लिक करके बैलेंस को चेक कर सकते हैं, पोस्ट पेमेंट बैंक है इस पर एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करिएगा तो इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलेंगे। मेरा यहाँ पर देखते हैं पेटीएम वॉलेट क्रिएट अनलेबल यहाँ पर लिखा, इसलिए आपको सक्सेस लिखेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम इसमें है इसलिए लिख रहा। आप यहाँ पर आइएगा, एक्टिव करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप एक्टिव कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज करिएगा, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। इस तरीके से आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वीडियो KYC यहाँ पे नहीं हुआ, तो वीडियो KYC अभी ऑनलाइन यहाँ पे बंद है। जो न्यू क्रिएट करते हैं अकाउंट उनके लिए अभी बंद है, जिनका ओल्ड है उनके लिए चालू है। मिनी KYC जो किए हुए हैं वो कर सकते हैं फुल KYC, जो न्यू क्रिएट किए जैसे आपने क्रिएट किए तो आपका यहाँ पर फुल KYC नहीं होगा। जो वॉलेट हुआ अभी एक्टिव नहीं होगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपका चालू नहीं होगा, सिर्फ UPI यूज कर सकते हैं, पैसा को भेज सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से पेटीएम को KYC करने के लिए आपको जाना होगा, आपको पेटीएम को नियर बाय है जो वहाँ पर आपको शॉप पे जाइएगा, तो हो सकता है आपको KYC हो जाए, लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे भी बंद है। जैसे ही अपडेट आएगा इस चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारे में कोई भी सवाल हो, वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, तो इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज करिएगा, मैं आपका हेल्प करूँगा, या कॉमेंट करिएगा मैं रिप्लाई दूंगा। तो कैसा वीडियो लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी कॉन्टेंट आपको देखने को मिलते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।